हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य राजा धनानंद के दरबार में एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करते थे। मगर जब उन्हें पता चला कि भारत देश में बाहरी देश हमला करके गुलाम बनाने की योजना बना रहा है, तब चाणक्य ने राजा धनानंद को प्रजा के पैसों को भोग विलास में बर्बाद करने के बजाय एक शक्तिशाली सेना की मदद से एक अखंड भारत की रचना करने का सुझाव दिया था। मगर भरे दरबार में चाणक्य की ये सच्ची बातें राजा धनानंद के घमंड को चीरती हुई निकली, जिसकी वजह से राजा धनानंद ने चाणक्य को भरी सभा से अपमानित करके धक्के मार कर निकाल दिया। मगर तभी अपने इस अपमान के प्रति चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह खुद अपने दम पे अखंड भारत का निर्माण करके दिखाएंगे और धनानंद जैसे पाखंडी राजाओं को भारत देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर जब चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली थी, तब उनके पास ना तो कोई धन था और ना ही उनके पास युद्ध करने के लिए सेना थी, और ना ही दूर दूर तक ऐसा कोई इंसान था जो चाणक्य को इस दुख भरी सिचुएशन में सहारा देता। मगर ऐसी सिचुएशन में रहकर भी चाणक्य ने खुद अपने दम पर ना सिर्फ एक अखंड भारत का निर्माण किया, बल्कि युद्ध के लिए एक ऐसी शक्तिशाली सेना का निर्माण भी किया जिसके सामने किसी भी देश के राजा की खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती थी। तो इन विकट परिस्थिति में उन्होंने कौन कौन सी सटीक नीति का इस्तेमाल करके इतनी प्रचंड सफलता को हासिल किया, वो सारी चीजें उन्होंने चाणक्य नीति ग्रंथ में सटीकता से बताई है, जिसे इस्तेमाल करके आज मैं आपको 3 ऐसे चाणक्य नीति बताऊंगा जिसे अगर आपने सटीकता से इस्तेमाल कर लिया तो वादा है मेरा कि एक दिन पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी और आपको सलाम ठोकेगी। साथ में मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से रियल लाइफ डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हीं चाणक्य नीति का इस्तेमाल करके इस डिजिटल वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशनरी क्रांति लाकर रख। तो दोस्तों, इन सब रहस्यमय सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहली नीति, आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि विद्या धनम धनानाम, यानी कि एक इंसान को अगर कोई विद्या आती है और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, तो वो जहाँ पे भी जाकर खड़ा हो जाएगा वहाँ पे वो पैसे और ताकत का ढेर लगा देगा। मगर जो इंसान अज्ञानी और मूर्ख होगा, जिसके पास कोई भी विद्या का ज्ञान नहीं होगा, वो जीवन भर पैसों के लिए दर दर भटकता ही रहेगा। और ऐसे अज्ञानी इंसान को ना तो कोई ताकत नसीब होती है और ना ही नसीब होती है उसे कोई इज्जत। तो अगर मैं बात करूँ आचार्य चाणक्य की, तो जब पूरी दुनिया आचार्य चाणक्य के विरुद्ध थी और कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, तब ऐसे समय में भी एक बहुत ही शक्तिशाली चीज चाणक्य के पास मौजूद थी और वो हथियार था विद्या, यानी कि ज्ञान, नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में अस्त्र और शस्त्र, ये दोनों चीजों का नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है। अस्त्र कला यानी कि हथियारों से युद्ध लड़ने की कला एक समय आने पर, यानी कि जब आपकी उम्र हो जाती है, तब वो खत्म होने लगती है। मगर वहीं दूसरी तरफ लेकिन शस्त्र यानी कि वेद ग्रंथों का ज्ञान यानी कि नॉलेज को अगर आपने एक बार सीख लिया तो वो जिंदगी भर आपकी रक्षा करता ही रहेगा। और यही एक शक्तिशाली हथियार आचार्य चाणक्य के पास भी मौजूद था जब वो पूरी दुनिया के सामने अकेले ही युद्ध लड़ रहे थे। अगर मैं उनकी बुद्धि शक्ति की बात करूं, तो आचार्य चाणक्य अकेले ही एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री जैसे कई सारे मिनिस्ट्री को अकेले ही हैंडल करने की काबिलियत रखते थे। साथ ही साथ ये समुद्र शास्त्र में भी महारथी थे, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान से बातचीत के दौरान ही उनके मन की बात और उनका व्यक्तित्व जानने की काबिलियत रखते थे, जिसकी वजह से जब वो चंदू नाम के लड़के से मिले तो उन्हें पता चला कि इस बच्चे में आगे जाकर एक सम्राट बनने की प्रतिभा छुपी हुई है। इसलिए चाणक्य उन्हें अपने साथ लेकर गए और उसे ट्रेनिंग दी और उसे हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाने की तालीम दी और एक ऐसा योद्धा बनाया जो अकेले ही पूरे भारत वर्ष का संचालन कर सकता था। मगर अब चंद्रगुप्त अकेला तो युद्ध लड़ नहीं सकता था, उसे युद्ध लड़ने के लिए सेना तो चाहिए थी। इसलिए चाणक्य उस समय गांव में जो बिछड़ी हुई नीची प्रजाति के लोग माने जाते थे, उनके पास चले गए, क्योंकि चाणक्य इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से सम्मान देते थे, ना कि उसके जाति, वर्ण या गोत्र देखकर। उन्होंने वहां जाकर देखा कि ये नीची प्रजाति के लोगों में प्रतिभा और काबिलियत तो बहुत थी, मगर उन्हें कोई भी रणभूमि में उतरने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसलिए चाणक्य ने तुरंत ही सभी लोगों को गले लगा लिया और ट्रेनिंग देकर चंद्रगुप्त की सेना में शामिल कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने करीब करीब 8,00,000 लोगों की सेना बना डाली, जो चंद्रगुप्त के एक आदेश पे किसी भी देश के राजा को अपने पैरों तले कुचलने के लिए तैयार थी। साथ ही साथ चाणक्य ने ऐसे ऐसे युद्ध नीति और षड्यंत्र बनाए जिसे भेदना दुश्मन सेना के लिए पूरी तरह से नामुमकिन था। और इसी तरह से चाणक्य ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर ना सिर्फ धनानंद को बल्कि और भी कई बड़े बड़े राजा को अपने पैरों तले कुचल करके रख दिया और अकेले ही एक अखंड भारत का निर्माण करके दिखाया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं
ज्ञान और नॉलेज की असली पावर। तो अब इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल मोहम्मद हिजामुद्दीन ने भी किया। उन्होंने नोटिस किया कि भारत के गांव, कस्बों और जिलों में ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनमें आगे बढ़ने की और कामयाबी को हासिल करने की काबिलियत तो बहुत है, मगर सही मार्गदर्शन और तालीम ना मिलने की वजह से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा था। इसलिए उन्होंने भारत के बच्चों को ज्ञान और नॉलेज का शक्तिशाली हथियार देने का बीड़ा उठाया, जिसे इस्तेमाल करके देश का हर एक बच्चा अपनी इस जीवन की रणभूमि में एक प्रचंड सफलता हासिल कर सकता था। जिसके लिए उन्होंने एंट्री ऐप का निर्माण किया। एंट्री ऐप एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने रीजनल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु जैसी मातृभाषा में गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हो। अब इस ऐप की खास बात ये थी कि इसके सभी कंटेंट को रीजनल लैंग्वेज में रखा गया था और ये कंटेंट उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने खुद PSC, RRB, IBPS, SBI जैसे बैंक और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर किया था और जो कि उन्होंने सारे सब्जेक्ट और टॉपिक को वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया था। इसलिए हर एक बच्चा बिना डिस्ट्रक्शन के सभी चीजों को डीपली एग्जाम्पल के साथ समझ सकता था, यानी कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ नॉलेज को एक्वायर कर सकता था, वो भी घर बैठे बैठे। अब देश के लाखों बच्चों के पास बेहतरीन क्वालिटी का नॉलेज तो आ चुका था, मगर नॉलेज एक नाव की तरह है जो आपको पानी में डूबने से तो जरूर बचा सकता है, मगर उस नाव को आगे बढ़ाने के लिए और इस जीवन के गहरे समंदर को पार करने के लिए उस नाव को चलाना भी तो आना चाहिए। यानी कि बिना स्किल के नॉलेज अकेला चाहे कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, मगर फिर भी वो आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा जब तक कि आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आ नहीं जाता तब तक। इसलिए जिस प्रकार युद्ध की रणभूमि में किसके पास कितना बेहतरीन हथियार मौजूद है वो जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी हथियार मौजूद है उसे आप कितनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो वो स्किल आपको युद्ध की रणभूमि में सफलता दिलाती है। अब ये बात आचार्य चाणक्य बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए वो चंद्रगुप्त की सेना से द्विकंतीकरण नीति का इस्तेमाल करके मगध देश के बॉर्डर पे जो जो छोटे मोटे राज्य होते थे उन पर हमला करवा देते थे ताकि वो चंद्रगुप्त की सेना की परीक्षा ले सके और देख सके कि क्या सच में उनमें युद्ध नीति के ज्ञान को रणभूमि में इस्तेमाल करने की काबिलियत है या नहीं। यानी कि वो शुरुआत में डायरेक्ट महायुद्ध नहीं करते थे, बल्कि वो शुरुआत में सेना के साथ छोटे छोटे युद्ध करके टेस्ट एंड ट्रायल करते थे ताकि वो अपनी सेना को फाइनल महायुद्ध के लिए तैयार कर सके। इसीलिए इन छोटे छोटे युद्ध के दौरान उनकी सेना जो गलतियां करती थी वो उनका बारीकी से निरीक्षण करते थे और वापिस से उन्हें ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल को बढ़ाते थे। इसलिए अब की बार चाणक्य ने तब तक अपनी सेना को धनानंद के साथ युद्ध में नहीं उतारा जब तक कि उन्हें पूरा यकीन नहीं हो गया कि अब उनकी सेना का एक एक सिपाही युद्ध में मास्टरी हासिल कर चुका है। क्योंकि चाणक्य ये बताते हैं कि काबिलियत और नॉलेज आपको तभी सफलता दिलाती है जब आपके अंदर उस नॉलेज और काबिलियत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की स्किल मौजूद होगी। इसलिए यही चाणक्य नीति एंट्री ऐप भी इस्तेमाल करती है। इसलिए वो सबसे पहले अपने यूजर्स को अपने वैल्यूएबल वीडियोस के माध्यम से स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद वो डेली हर सब्जेक्ट की मॉड्यूल वाइज एग्जाम कंडक्ट करती है और उसका रिजल्ट उन्हें तुरंत ही उपलब्ध करवा देती है ताकि स्टूडेंट अपने आप ही ये समझ जाए कि उसे और कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करने की जरूरत है और एक ही सब्जेक्ट के रिलेटेड वो इतने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस एंड आंसर उपलब्ध करवा देते हैं जिससे कि फाइनल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने की गुंजाइश ही ना बचे। यानी कि ये लोग भी चाणक्य की तरह ही टेस्ट एंड ट्रायल कर करके स्टूडेंट से इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि जिसकी वजह से फाइनल में स्टूडेंट के द्वारा कोई गलती करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। साथ ही साथ ये लोग पिछले साल के पेपर्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि स्टूडेंट को पता चले कि असलियत में उनका सामना किस तरह के सवालों के साथ होने वाला है, जिसका नतीजा ये आया कि 2018 में हुई LDC और PSC एग्जाम में 40% क्वेश्चन वहीं से आए थे जो ऑलरेडी उनके डेटाबेस में मौजूद थे और बाकी के 60% क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही डिफरेंट था, बाकी पैटर्न तो सेम टू सेम वही आया था। जिसकी वजह से जिन यूजर्स ने एंट्री ऐप का इस्तेमाल किया था वो सभी लोग टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए थे, जिनमें 100 में से 22 से ज्यादा स्टूडेंट एंट्री ऐप के यूजर थे। और अगर मैं बात करूं 2008 की PSC एग्जाम के रैंक होल्डर के बारे में तो फर्स्ट 500 रैंक होल्डर में से एंट्री ऐप के यूजर 178 यूजर्स ने अपनी जगह बनाई थी और LDC एग्जाम के रैंक लिस्ट में तो 453 यूजर ने अपनी जगह बनाई थी। क्योंकि दोस्तों इन सारे यूजर्स ने चाणक्य नीति के बेस पे बनी इस एप्लीकेशन एंट्री ऐप का बहुत ही सटीकता से इस्तेमाल किया था, जिसका जीता जागता प्रमाण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, आप उसे जाकर उसका रिजल्ट चेक कर सकते हो। अगली नीति चाणक्य ने ये इस्तेमाल की कि चाणक्य अच्छी तरीके से जान चुके थे कि चाहे वो भले ही कितने भी राज्य को क्यों ना जीत जाए, मगर उन्हें तब तक असली सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि उस देश की प्रजा दिल से नए राजा को एक्सेप्ट ना कर ले तब तक। इसलिए चाणक्य म्यूचुअल बेनिफिट की स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटजी अपनाते थे, यानी कि जैसे ही वो दुश्मन देश के राज्य को जीत लेते थे कि तुरंत ही वो वहां की प्रजा के हित के लिए टैक्स फ्री इकोनॉमी और फ्रीडम ऑफ लाइफ जैसी योजना को लागू कर देते थे। यानी कि वो ऐसा एनवायरमेंट उपलब्ध करवाते थे जहां पे प्रजा को अब राजा को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। साथ ही साथ वो निडर होकर अपनी जिंदगी जी सकते थे, जहां पे अब कमजोर से कमजोर इंसान भी उतनी ही शांति और आजादी से जी सकता था जितना कि एक बलवान और ताकतवर इंसान। इसी वजह से चाणक्य किसी भी देश की प्रजा का दिल चुटकियों में जीत लेते थे, और उनका ये व्यवहार देखकर वहां की प्रजा भी चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपने परिवार का हिस्सा मान उनके अखंड भारत की योजना में हंसी खुशी शामिल हो जाते थे। और इसी एटीट्यूड का इस्तेमाल करके चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण किया, जिसे वो त्रिकोणा नीति भी कहते थे। अब इसी चाणक्य नीति का इस्तेमाल एंट्री ऐप ने भी किया। उन्होंने यूजर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे स्टूडेंट हाउसवाइफ या जॉब करने वाले से लेकर स्टूडेंट तक सभी लोग इंडिपेंडेंट होकर किसी भी समय कहीं से भी आसानी से अपने नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव कर सकते थे। साथ ही साथ जहाँ पे फिजिकल कोचिंग क्लासेस कम से कम एक कोर्स करवाने के 15,000 से 20,000 रुपए लेती है, साथ ही साथ उस कोचिंग तक आने जाने का कीमती समय और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल अगर किया जाए तो कम से कम 30,000 से 40,000 एक स्टूडेंट पे करता है। वहीं दूसरी तरफ उसके कंपैरिजन में एंट्री ऐप केवल 999 रुपए यानी कि 999 रुपए में पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन उपलब्ध करवाती है, जहां पे कोई भी यूजर अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी कर सकता है। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि आज 15,00,000 से भी ज्यादा यूजर एंट्री ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करने की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी है। और इन सर्विस का इस्तेमाल करके अनगिनत लोगों ने अपनी अपनी एग्जाम पास करके अपनी मनचाही नौकरी को ऑलरेडी हासिल भी कर लिया है। तो अगर आप भी इन सभी लोगों की तरह घर बैठे बैठे अपने सुनहरे भविष्य की रचना करना चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आज और अभी एंट्री ऐप का इस्तेमाल करना आप भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी इस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको 4 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। तो अब अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो चाणक्य ने यहां पे अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए 3 चीज का इस्तेमाल किया था, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, जिसे चाणक्य त्रिकोणा नीति भी कहते थे, जो कुछ इस तरह से काम करता है, जिसमें सबसे पहले एक शक्तिशाली नॉलेज को हासिल करना होता है, उसके बाद उस वैल्यूएबल नॉलेज को इस्तेमाल करने की स्किल को डेवलप करनी पड़ती है, और जब आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के महारथी बन जाते हो तो उसे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है, ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो और बाकी लोग भी खुले दिल से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आज आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी कोई सा भी काम कर रहे हो, तो अगर आप भी चाणक्य की इस त्रिकोणा नीति को एंट्री ऐप की तरह ही सटीकता से इस्तेमाल करना सीख गए तो वादा है मेरा कि चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, मगर सफलता सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगी, ये बात तो तय है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस चाणक्य नीति को कैसे और कहां पे इस्तेमाल करने वाले हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।